नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तहत नवजात शिशु की घर पर देखभाल योजना की विस्तार की तैयारी। विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त हुए शिक्षक शिक्षेत्तर को ऐसे होगा पेंशन का भुगतान। हीट वेव से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए निर्देश। शाही लीची से नहीं दूर हुआ खट्टापन, वैज्ञानिकों ने बताया शोध का विषय। T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने सूर्य कुमार यादव, इन क्रिकेटर्स को भी मिला बड़ा इनाम। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त हुए शिक्षक शिक्षेत्तर को ऐसे होगा पेंशन का भुगतान। सेवानिवृत्त हुए 42,000 शिक्षक और शिक्षेत्तर कर्मचारियों के पेंशन भुगतान की प्रक्रिया राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में बदलने वाली है। दरअसल अब शिक्षा विभाग द्वारा सेवानिवृत्त हुए सभी शिक्षकों की राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग के इस नए व्यवस्था को अगले महीने से लागू करने की तैयारी की जा रही है। अभी सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के पेंशन का भुगतान विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्था को क्रियान्वित करने के लिए विभाग ने विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों के अफसरों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तहत नवजात शिशु की घर पर देखभाल योजना की विस्तार की तैयारी। शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए राज्य में नवजात शिशु की घर पर देखभाल योजना विस्तार की तैयारी की जा रही है। योजना के तहत फिलहाल सालाना लगभग 12-13 लाख नवजात शिशु की देखभाल के लिए आशा कार्यकर्ता घर जाती हैं, जिसे बढ़ाकर 15 लाख करने की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत समुदाय स्तर पर नवजात शिशु की देखभाल के लिए यह कार्यक्रम बनाया गया है। इस योजना के तहत नवजात शिशु की जन्म से लेकर 42 दिनों तक निश्चित समय के अंतराल पर गृह भ्रमण कर आशा कार्यकर्ता देखभाल करती हैं। इसके साथ ही आशा कार्यकर्ता माता व परिजनों को शिशु के स्वास्थ्य और खान पान के बारे में जानकारी उपलब्ध कराकर जागरूक करने का भी काम करती हैं। शाही लीची से नहीं दूर हुआ खट्टापन, वैज्ञानिकों ने बताया शोध का विषय। इस साल शाही लीची से किसानों को निराशा हाथ लगी है। शाही लीची की सीजन समाप्त होने को है, मगर अभी तक लीची में खट्टापन दूर नहीं हो सका है। इस बार लीची के वजन में भी बढ़ोतरी नहीं हुई है और बीज भी बहुत बड़ा हो गया है। किसानों के अनुसार इस बार लीची की सुगंध भी पहले जैसी नहीं मिल रही है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र NLRC के वैज्ञानिक इसे शोध का विषय बता रहे हैं। उनका कहना है कि इसका कारण जलवायु परिवर्तन का असर है, तो साथ ही लीची के बागों में मिट्टी की जांच भी अनिवार्य है। लीची वैज्ञानिकों का कहना है कि 2014 में तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाने के बावजूद लीची के वजन और मिठास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, जबकि इस बार 41 डिग्री सेल्सियस पर ही फल झुलस रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया 14 टेबलों पर होगा मतगणना का काम। बुधवार को सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के अलावे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बैठक की। यह बैठक बिहार की 40 लोकसभा क्षेत्रों में मतगणना को लेकर थी। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को सख्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतगणना के समय 14 टेबलों को एक साथ मतगणना स्थल पर लगाया जाएगा। मतगणना का काम इन सभी टेबलों पर एक साथ शुरू होगा। पोस्टल बैलेट पेपर की गणना मतगणना से पहले की जाएगी। सुबह 8 बजे इसकी गिनती शुरू कर दी जाएगी, यानी इस पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ही EVM के वोटों की गिनती होगी। जहाँ भी वोटों की गिनती होगी वहाँ पर उम्मीदवार या चुनाव अभिकर्ता खुद भी मौजूद रहेंगे। हीट वेव से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए निर्देश। बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव की वजह से स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों के लिए परामर्श जारी किया है। जारी परामर्श के अनुसार लोगों को लगातार हाइड्रेट रहने की सलाह दी जा रही है। लगातार पानी पीते रहने और पानी लेकर घरों से निकलने की सलाह स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई है। पानी के साथ ORS के घोल का सेवन करने की भी सलाह दी जा रही है। वहीं चाय और कोल्ड ड्रिंक, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा इत्यादि से परहेज करने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने 10 बजे के बाद लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की भी सलाह दी है।
हर्ष हत्या मामले के चार आरोपितों का पुलिस को मिला वारंट, जल्द होगी कुर्की जब्ती। पटना यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज के हर्ष राज की हत्या के मामले में बुधवार को पुलिस को चार आरोपितों का वारंट मिलने के बाद पुलिस बुधवार को उनके घरों तक पहुंची। वहीं सूत्रों के मुताबिक पांचवे के नाम पते का सत्यापन किया जा रहा है। सिटी SP पूर्वी के अनुसार सभी के खिलाफ इश्तेहार लेने के 3 दिनों के भीतर ही कुर्की जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। वहीं सिटी SP पूर्वी ने बताया है कि पकड़े गए चंदन ने लाइनर का काम किया था। इसके अलावा एक और आरोपित ने लड़कों को एक जगह इकट्ठा करने का काम किया था। इस केस का IO सुल्तानगंज के थानेदार अजय कुमार को बनाया गया है। भीषण गर्मी से अलग अलग जिलों के 300 से अधिक बच्चे और शिक्षक हुए बेहोश। बुधवार को CM नीतीश कुमार द्वारा स्कूल बंद करने के आदेश के बाद बच्चों और शिक्षकों को बहुत राहत मिली है, पर इससे पहले बुधवार को बिहार के कई अलग अलग जिलों से भीषण गर्मी की वजह से 300 से ज्यादा छात्र छात्राएं और शिक्षकों के बेहोश होकर गिरने की खबर सामने आई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराना पड़ा। खाली पेट स्कूल जाने और उमस भरी गर्मी की वजह से बच्चों को हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का शिकार होना पड़ रहा है। बिहार में कब तक आएगा मॉनसून? मौसम विभाग का नया अपडेट। बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में पड़ रही भयंकर गर्मियों के बीच बिहार में मॉनसून के आगमन की संभावित तारीख सामने आ गई है। अगले 48 घंटे में राज्य भर में आंधी के साथ प्री मॉनसून बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से 1 जून से तापमान में कमी आने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 24 घंटे के अंदर केरल के रास्ते भारत में प्रवेश करने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस साल केरल के साथ ही पूर्वोत्तर भारत में भी मॉनसून प्रवेश कर सकता है और इसके बाद तेजी से अन्य राज्यों में फैलेगा। बिहार में मॉनसून के 15 जून तक पहुँचने की संभावना है। बिहार के मुंगेर में बड़ा फर्जीवाड़ा, फेक डॉक्टर बांट रहा अनुभव प्रमाण पत्र। बिहार के मुंगेर इमरजेंसी हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट और डायरेक्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने साफिया सराय थाना में हॉस्पिटल का फर्जी लेटर पैड और मुहर बनाकर विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने और अनुभव प्रमाण पत्र बांटने का आरोप लगाते हुए अपने यहाँ कार्य करने वाले डॉक्टर बिट्टू उर्फ डॉक्टर बी जोसेफ सहित अन्य सहयोगियों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने के बाद तहकीकात में जुटी हुई है। प्राथमिकी में कहा गया है कि इन लोगों ने षड्यंत्र रचकर मुझे धोखा देते हुए मेरे अस्पताल मुंगेर एवं जमुई इमरजेंसी हॉस्पिटल का फर्जी लेटर पैड एवं मुहर बनाकर गलत तरीके से इस्तेमाल कर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर अनुचित लाभ के लिए लोगों को दिया गया। फर्जी कागजात पर मेरी फर्जी सिग्नेचर्स भी मौजूद हैं। लालू राबड़ी राज में हुए 118 नरसंहार का हिसाब देते जसवी, जदयू का बड़ा प्रहार। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव से पहले JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में हुए नरसंहार का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से हिसाब मांगा है। एक पोस्ट शेयर करते हुए जदयू प्रवक्ता ने लालू राबड़ी के शासनकाल में हुए 118 नरसंहार का जिक्र किया है। उन्होंने इसके माध्यम से लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में बिहार के जिन 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होने वाले हैं उन 8 लोकसभा क्षेत्रों में हुए 88 नरसंहार में 674 लोगों की मौत का दावा किया है। नीरज कुमार ने इन नरसंहारों का तेजस्वी यादव से हिसाब मांगा और साथ ही दावा किया कि इस बार जनता RJD का राजनीतिक नरसंहार करेगी। पहले जदयू फिर पवन सिंह के बाद मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव इन दिनों अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए चुनावी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले वे वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से NDA प्रत्याशी सुनील कुमार कुशवाहा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, तो वहीं 28 मई को उन्होंने काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह के पक्ष में भी चुनाव प्रचार किया। अब इसी कड़ी में खेसारी लाल यादव पाटलिपुत्र से राजद उम्मीदवार मीसा भारती के लिए वोट मांगते दिखे हैं। बता दें कि इस दौरान मंच पर खेसारी लाल यादव के साथ तेजस्वी और तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ किम जोंग उन जैसे, तेजस्वी का CM योगी पर बड़ा तंज। राजद नेता तेजस्वी यादव ने UP के CM योगी आदित्यनाथ पर बड़ा जुबानी प्रहार किया है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ का कंपैरिजन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से कर दी है। CM योगी द्वारा पिछले दिनों बिहार में किए जनसभा पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, BJP चाहे योगी जी को बुला ले या किसी और को, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें चाहिए कि नॉर्थ कोरिया से किम जोंग को बुला ले और योगी जी उनके साथ हो जाएं, दोनों एक जैसे ही हैं।
गांधी जी के नाम पर शराबबंदी गलत, प्रशांत किशोर का बयान। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है, तो साथ ही प्रशांत किशोर जदयू के साथ राजद और बीजेपी पर भी बरसे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के नाम पर शराबबंदी गलत है। महात्मा गांधी ने कभी नहीं कहा था कि सरकार को शराबबंदी करनी चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा था कि लोगों को शराब नहीं पीना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आज पूरी दुनिया में एक भी ऐसा प्रमाण बता दे जहां शराबबंदी से उस जगह का आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ हो। अगर ऐसा होता तो आज सभी समृद्ध देशों में शराबबंदी होती। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अगर 7 बार नीतीश ने पलटी मारी है तो इसमें सबसे बड़े सहायक दल RJD और BJP भी दोषी है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने सूर्य कुमार यादव, इन क्रिकेटर्स को भी मिला बड़ा इनाम। T20 वर्ल्ड कप 2024 के आगाज से 2 दिन पहले ICC ने भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर बैटर सूर्य कुमार यादव को ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया है। सूर्य कुमार यादव लगातार 2 साल ये अवार्ड अपने नाम करने वाले इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं। तो वहीं टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को ICC टेस्ट ऑफ द ईयर कैप के लिए चुना गया। ICC वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 की कैप रोहित शर्मा, सुमंगिल, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज को मिली है। तो वहीं अर्शदीप को ICC द्वारा T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर कैप 2023 दिया गया। जाने क्या है बिहार में पेट्रोल और डीजल का रेट। आज यानी गुरुवार को बिहार में पेट्रोल और डीजल के रेट जारी कर दिए गए हैं। पेट्रोल और डीजल के रेट में 5 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। राजधानी पटना में इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज पटना में पेट्रोल 105.18 रुपए लीटर है, तो वहीं डीजल 92.04 रुपए लीटर है। गया में पेट्रोल 106.25 रुपए है, तो वहीं डीजल 93.05 रुपए। दरभंगा में पेट्रोल 105.76, तो वहीं डीजल 92.05 रुपए। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 106.39 रुपए, तो वहीं डीजल 93.15 रुपए। भागलपुर में पेट्रोल 106.10 रुपए, तो वहीं डीजल 92.88 रुपए। किशनगंज में पेट्रोल 107.84 रुपए, तो वहीं डीजल 94.51 रुपए। मधुबनी में पेट्रोल 106.64 रुपए, तो वहीं डीजल 93.39 रुपए है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनका नाम है विनोद महात्मा, अनवर करीम खान, राज किशोर महतो, बीजेंद्र सिंह, संघर्ष कुमार, संतोष यादव, पप्पू यादव, राकेश मिश्र, काजल कुमारी, राम बाबू दास, कोमल कुमारी, संजीव कुमार, रवि कुमार राम, मुन्ना प्रसाद, रंजीत मिश्रा, गोनर शर्मा, सादुल्लाह पालवी, मोहम्मद साकिर हुसैन, चंदू भाई। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, इस भीषण गर्मी में हीट वेव से बचने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।